क्या हाल है? आई होप आप सब अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी थोड़ी आवाज़ आज ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं आया हूँ जावा SDK शोरूम में जो पड़ता है आपका ओखला में। अभी रिसेंटली ओपन हो रहा है, काम चल रहा है, बट मैंने कहा एक बार आ जाते हैं आपके लिए, एक वीडियो बढ़िया से बना देते हैं। तो आपके सामने आप ये देख पा रहे हो कि कैमरे में स्क्रीन पे कि मेरे पास कुछ अमेजिंग हेलमेट्स हैं। आज उनकी बात करने वाले हैं जो सिर्फ ऑफ़र कर रहा है जावा एंड SD अपनी तरफ से, एंड काफ़ी नॉमिनल प्राइस में है, एंड क्यों अच्छे हेलमेट हैं ये और क्यों आपको ये ख़रीदने चाहिए, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। पहले हेलमेट की तरफ चलते हैं जो SD की तरफ से आता है। नया हेलमेट लॉन्च हुआ है स्क्रैम्बलर के साथ, आपका ये ट्यून कर सकते हो आप इस हेलमेट को, एंड 950 ग्राम का काफ़ी लाइट वेट हेलमेट है। एंड इसमें आपको SD की ब्रांडिंग, स्क्रैम्बलर की ब्रांडिंग विद फ्रंट मिरर आपको मिलेगा इस हेलमेट के अंदर। और 2000 के प्राइस में आई डोंट थिंक कि कुछ ही बेकार है, क्योंकि इसके अंदर की पैडिंग काफ़ी अच्छी है, एंड साथ में आप इसको जो मैकेनिज्म दिए है ओपन करने का, क्लोज करने का, काफ़ी सही है, आवाज़ आती प्यारी सी। करते हैं दूसरे हेलमेट की तरफ, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो गियर अप योर राइड, तो ये एक आपका स्लीक नॉर्मल सा हेलमेट आता है। अगेन आपको कोई वो जो आप जैसे रोड पे देखते हो हेलमेट्स, उनसे काफ़ी अच्छा है, मतलब उनसे तो क्या ही कंपैरिजन करना, वो आपके लिए सेफ भी नहीं है। ये सारे हेलमेट जो दिखाऊंगा आपको, इन सब के बारे में बताऊंगा, काफ़ी सेफ हेलमेट है। ये वाला अगेन आता है आपका SD की ब्रांडिंग के साथ, SD का हेलमेट, एंड पीछे भी SD की ब्रांडिंग आती है। 900 ग्राम का ये हेलमेट रहेगा, ऑल लाइट वेट है, ISI मार्क है हेलमेट के साथ, और साइज़ भी आपको दिए हुए मेन चीज़ ये L साइज़ है, और इसका प्राइस रहता है ऑलमोस्ट 1500 रुपये, एंड सेम मैकेनिज्म के साथ वही कच की आवाज़ आएगी, और आगे खूब बढ़िया से नट बोल्ट लगे हुए हैं ताकि आपको चोट भी ना लगे, लगे ना आई होप। मूव करते हैं इस हेलमेट पे, ये जावा की तरफ से आता है, एंड विद गोल्डन आपको इसमें आपको बीटिंग सी मिल जाती है विद सेम नट बोल्ट, क्योंकि आप एक बढ़िया बाइक चला रहे हो, जावा की हेलमेट की ब्रांडिंग मिलेगी पीछे भी, साइडों में भी, और साइड में आपको पीछे एक वेट भी दिखेगा इसका। सेम मैकेनिज्म के साथ आती है आपकी ये, एंड प्राइस जो रहेगा वही सेम 1500 रुपये रहेगा। मूव करते हैं इस हेलमेट पे, अगेन ये वही आपका हेलमेट आ जाता है, साइज़ ये दूसरा है, प्राइस बट सेम रहता है। हेलमेट की तरफ चल रहे हैं, तो मैंने सोचा इस वाले हेलमेट को प्रॉपर इसकी बाइक पे रखते हैं, जो क्योंकि आप भी इसी के साथ रहा है, 42 न्यूमेरिक 42 अल्फाबेटिकल, एंड ये हेलमेट अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, और इसमें आपको बढ़िया सी नापा लेदर की फिनिश मिलेगी, अंदर पैडिंग देख रहे हो ब्राउन कलर की पैडिंग रहेगी, इसी के साथ सेम कॉम्बिनेशन में रखा गया, अलग नहीं करा गया, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ISI मार्क के साथ आएगा, एंड क्योंकि जावा की तरफ से हैं तो काफ़ी प्रीमियम फिनिश है जावा SD दोनों की ही, तो इन हेलमेट्स के बारे में और कुछ आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल आके ओल्ड स्कूल स्टाइल है। अगर आप आजकल के टाइम के हेलमेट्स देखोगे तो वो ओल्ड स्कूल नहीं आते, बट क्योंकि जावा SD है, इनफैक्ट रॉयल इनफील्ड अगर आप बात करते हो, ये सारे आपके ओल्ड स्कूल हैं, तो इनके साथ आपको हेलमेट जैसे ही अच्छे लगते हैं और मिलते भी हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन गुड बाय, गुड लक, सी या, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।